Hey guys, welcome to my channel Learn With Hina. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी न्यू वीडियोस आपके लिए आ रही है उनके नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे एंड ट्राई करना कि जिस टाइम पे वीडियो अपलोड हो रही है उस टाइम के अंदर ही देख लो क्योंकि मेरे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स तक की ही मैं बनाती हूँ बिकॉज आई नो अगर ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो आप बोर हो जाओगे और आप देखोगे नहीं इसलिए मैंने इतना ही टाइमिंग रखा है 15 से 20 मिनट्स तक की वीडियो सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कम्युनिकेशन के ऊपर एमसीक्यू सीरीज हम करने वाले हैं आज 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड एज पर मैसेजेस मुझे ये बोला गया है कि 25 क्वेश्चंस ईच वीडियो में ले लेना मैम तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ सो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है सेकेंड वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा ठीक है तो उसके अलावा कल टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसके अंदर ग्रुप में और मैसेजेस आए थे डिस्कशन ग्रुप जो है कि मैम आपने जो चार्ट प्रोवाइड किया है हमें जो ये चार्ट स्टार्ट हो रहा था 1 जनवरी से लेके 10 जून तक आप जैसे सब्जेक्ट्स आपने अलॉट कर रखे उस हिसाब से आप हमें टीच करो तो वो ज्यादा यूजफुल रहेगा तो जैसे डिमांड आई है मैक्सिमम रिस्पॉन्स उसके लिए आया है तो मैं उस हिसाब से वैसे ही कंटिन्यू करूंगी तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना वहां पे आप ज्वाइन जरूर हो जाना चैनल का नाम है लर्न विद हिना यूट्यूब चैनल नेम भी वही है टेलीग्राम चैनल नेम भी वही है ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है आप वहां पे भी जा सकते हो मुझे फॉलो जरूर कर लेना एंड अगर आपको मेरे कोर्सेज पसंद आते हैं तो रेटिंग्स प्रोवाइड कर देना उसके अलावा आपको हेड्स देखो अगर आपको दिखेगी आपके पास में कितनी हेड्स है तो आप वो हेड्स भी मुझे डेडिकेट कर सकते हो अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है सो टाइम टेबल के हिसाब से पेपर वन का टीचिंग एप्टीट्यूड है एंड पेपर टू का बिजनेस मैनेजमेंट है बट जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि कम्युनिकेशन के ऊपर मैं सोच रही थी 50 क्वेश्चंस करने के लिए बता दिया था इसलिए मैं आज लेके आई हूँ वरना मैं आज से आपका बिजनेस मैनेजमेंट और टीचिंग ही कंटिन्यू करने वाली थी और एक और इम्पोर्टेंट बात है जैसे कि अभी थियोरी पार्ट हो गया ना तो वो मैं आपको अनअकैडमी पे करवा दूंगी मतलब फ्री कोर्सेस में ही रहेगा सब कोई भी पेड नहीं है अभी तक तो फ्री है तो आप फ्री में देख सकते हो सब उन्हें और यूट्यूब में जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ सम्स हो गए ठीक है एंड उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके डिमांड होगी उनके ऊपर अलग से वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी यहाँ पे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उन्हें डिटेल में समझेंगे तो ये सब चीजें आपके यूट्यूब पे तो आपको डेली बेसिस पे मिलते ही रहेगी अनअकैडमी पे क्या होगा पता है कि आपको खाली वो लाइन में रहेगी वीडियोस थियोरी के सपोज मैं कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ तो वहां पे कैसे 10 to 15 minutes की रहती है तो आप वो कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट फटाफट देख के वो पूरा पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो आपको पता होगा ऑलरेडी 17 कोर्सेज अवेलेबल है अनअकैडमी के ऊपर मेरे जो कि बिल्कुल फ्री है अभी तक तो आप जाके प्लीज देख लेना है ना आप देख सकते हो तो ये देखो यहाँ पे आप रेटिंग्स प्रोवाइड करवा सकते हो कोर्सेज के अंदर हार्डली 1 मिनट का टाइम जाएगा प्लीज रेटिंग रिव्यू प्रोवाइड कर देना ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरे कोर्सेज देख रहे हो आपको पसंद आ रहा है एंड एक और इम्पोर्टेंट थिंग ये कि मैसेज आया था कि जैसे कि 100 एमसीक्यूज होने के बाद में मैम पीडीएफ प्रोवाइड कर देना तो मैं उसे ही फॉलो करूंगी जैसे जैसे हमारे 100 एमसीक्यूज होते जाएंगे जो जो यूनिट के वो मैं आपको पीडीएफ देने वाली हूँ बिजनेस मैनेजमेंट का थियोरी पार्ट अब तक मैंने आपको जितना भी यूट्यूब पे करवा दिया है उसकी आई थिंक पीडीएफ है लगभग 69 pages की पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल के अंदर ये शेयर कर दी है पीडीएफ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके वहां से डाउनलोड करके देख लेना एंड आपके व्यू पॉइंट्स बता देना आपको कैसी लगी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस करेंगे इट मीन्स हमारे यहाँ से 35 तक जाएगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस सो यहाँ पे क्या बोला इसमें से कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो सही है किसके लिए जो डिस्क्राइब करते हैं क्या ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस को तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिम्युलेट आइडियाज ऑप्शन बी कम्युनिकेशन इज लर्नड एबिलिटी ऑप्शन एक सेकेंड ऑप्शन सी कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पैनक्रिया या ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन ऑप्शन ई ये सब पॉइंट है नेक्स्ट यहाँ पे कोड्स दिए गए मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स
या एफ पॉइंट दिया है, वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इश्यू फॉर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या बोला है, इसमें से कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, आपको एफ तक स्टेटमेंट दिया है और इसमें से बताना है कि कौन सा ह्यूमन कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो अभी कोई कोई पॉइंट्स है ना वो आप डायरेक्टली हटा सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट। क्या ये जरूरी है कि जितना हम कम्युनिकेट करेंगे उससे उतना ज्यादा लर्निंग होता ही जाएगा, इफेक्टिव लर्निंग, वो भी इफेक्टिव लर्निंग की बात हो रही है? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ई तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, अब जहां जहां पे ई है ना वो पॉइंट आप एलिमिनेट कर लो। वन गया आपका, टू भी गया और ये फोर भी गया, मतलब आपका थर्ड आंसर हो जाएगा इस हिसाब से आपने निकाला। चलो और ऑप्शंस देख लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिम्युलेट आइडियाज। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके आइडियाज को स्टिम्युलेट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ लर्नड एबिलिटी, जी हाँ कम्युनिकेशन सीखा जाता है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पैनक्रिया, सो कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल पैनक्रिया नहीं है, जी सही बात है। कम्युनिकेशन कैनॉट ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन कभी टूट नहीं सकता, सही बात है। एंड वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इश्यू फॉर स्टूडेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। सो ई और एफ तो आपका रॉन्ग हो गया, तो इससे यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एजर्शन बोल रहा है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, और रीजन बोल रहा है अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव। स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी रियली। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना, मैं आपको टाइमिंग दूंगी 10 सेकंड का ताकि आप आंसर दे सको। मीनवाइल मैं ऑप्शंस रीड अप करती हूँ। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। सो यहाँ पे क्या बोला है, कम्युनिकेशन, आंसर कमेंट में दे देना, मैं आंसर शो कर रही हूँ आपको। कम्युनिकेशन जो होता है ना ये एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस होता है, ये तो सही बात है। कम्युनिकेशन एक ट्रांजैक्शन के रूप में काम करता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है। और टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव, मतलब क्या बोला कि टीचर जो है ना वो ऑपरेट नहीं करती है, ये तो गलत है ना। टीचर ऑपरेट करती है स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज जो भी स्टूडेंट्स देते हैं उनको ध्यान में रखती है ना टीचर, एक अजम्पशन तो रहता है टीचर का कि स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स होगा, तो रीजन अब तक पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, assertion, the initial message to the student in the classroom by a teacher need not be critical to establish interaction later। सो क्या बोला गया, जो इनिशियल मैसेज होता है जो कि स्टूडेंट्स को दिया जाता है क्लासरूम में टीचर के द्वारा, वो क्रिटिकल नहीं होगा, ठीक है, टू एस्टैब्लिश क्या इंटरेक्शन। More control over the communication process means more control over what the students are learning. So options read up कर लो, आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, कमेंट में आंसर जरूर दे देना इसका। पॉज कर लेना वीडियो एंड आंसर डिसाइड कर लेना, मैं आंसर शो कर रही हूँ आपको। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो assertion है वो तो wrong है but reason जो है वो correct है। अब ये कैसे है वो देखते हैं। क्या बोला है कि जो इनिशियल मैसेज, तो स्टार्टिंग में जो टीचर कोई भी मैसेज देती है क्लासरूम में वो इतना क्रिटिकल नहीं है, जी वो इम्पोर्टेंट होता है, वो क्रिटिकल होता है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है आपका, इसलिए आपका assertion रॉन्ग हो जाता है। क्या बोला, अगर आप कंट्रोल करोगे, ज्यादा कंट्रोल करोगे आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, जो चीज आपको बोलनी है उसके ऊपर, तो उससे आपका ज्यादा कंट्रोल होगा कि स्टूडेंट्स क्या लर्न कर रहे हैं। जी हाँ ये तो हो सकता है, क्योंकि जब मुझ में खुद में ही कंट्रोल होगा कि मुझे क्या बताना है आपको क्या नहीं बताना है, तो जितना मैं आपको बताऊंगी उतना ही आपको पता होगा ना, उतना ही आप लर्न कर पाओगे, इसलिए अब ये रीजन आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, assertion, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। क्या बोला गया है कि क्लासरूम में कम्युनिकेट करना एक नेचुरल एबिलिटी है, और रीजन क्या बता रहा है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स knowledge of the communication process। So क्या बोला है reason, effective teaching जो होती है classroom में वो demand करती है किस चीज की, knowledge of the communication process।
So both assertion reason true है और reason भी correct explanation है. Option 2, assertion reason true है but reason आपको correct explanation नहीं है assertion का. Assertion true है, reason false है. Assertion false है या reason true है. So क्या बोला गया है, communication जो है ये एक natural ability नहीं है. अगर आपने पहले वाला question देखा होगा ना तो आपको झट से इसका answer आ गया होगा. Communication हम सीखते हैं, communicate करना हम सीखते हैं, वो God gifted नहीं होता है. इससे आपका assertion wrong है. और effective communication classroom में क्या demand करते हैं कि knowledge होनी चाहिए proper आपको communication process के, तभी आप अच्छे से communicate कर पाओगे. इसलिए आपका reason यहाँ पे सही हो जाता है. Next question देखते हैं, question number 15. Differentiation between acceptance and non-acceptance of certain stimuli in classroom communication is the basis of. So क्या बोला है, differentiation होना किसके बीच में, accept करना कुछ और नहीं accept करना classroom communication पे, तो किसके basis पे होती है. Selective expectation of performance, selective affiliation of to peer groups, selective attention, ये selective morality. So acceptance and non-acceptance जो रहती है differences, ये आपके selective attention के ऊपर depend करती है. Next question number 16. Guys, आपके comment बहुत कम आते हैं, आप बहुत कम response करते हो. मैं आपको फिर भी कहूंगी कि आप प्लीज हो सके उतना कमेंट करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. बहुत कम, मुश्किल से एक दो जन कमेंट करते हैं, तो आप लोग प्लीज कमेंट करना ताकि मुझे आइडिया रहे. इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहांस्ड बाय. सो क्या बोला, क्लासरूम के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है मैसेज की, उसे कैसे एनहांस कर सकते हैं. Establish करना एक व्यू पॉइंट, exposing the ignorance of student, increasing the information load, या using high decibel audio tools. So क्या बोला है, क्लासरूम में अगर मैसेज की रिसेप्शन एनहांस करना है उन्हें, तो एक प्रॉपर व्यू पॉइंट स्टैब्लिश करना पड़ेगा. सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और हर प्रेजेंटेशन विद. सो क्या बोला गया है, एक गुड कम्युनिकेटर जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट करता है. कोई भी एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ के, मतलब कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, नॉन सिक्टर, रिपीटेटिव फ्रेज या आइस ब्रेकर. सो एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो स्टार्ट करता है उसकी प्रेजेंटेशन आइस ब्रेकर. आइस ब्रेकर मतलब क्या होता है पता है, सपोज कि अगर मान लो यहाँ पे आपकी क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे सब जन बैठे हो और यहाँ पे आपकी टीचर है, ठीक है, फर्स्ट डे उनका क्लास में, तो क्या वो आते हैं आपको कोई भी एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन पूछेंगे, या वो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स लोग को देखेंगे ऐसे, या फिर ऐसे बोलेंगे हाय गुड मॉर्निंग माय नेम इज दिस एंड दैट, ऐसे स्टार्ट करेंगे क्लास. एकदम से आपको झट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. सो इस प्रोसेस को कहा जाता है आइस ब्रेकर, जहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ में एक नॉर्मली बात की जाती है, उनको देखा जाता है आंखों में, बोलते ना एक दूसरे की मैं आंखों में आंखें डाल के एक थोड़ा ट्रस्ट डेवलप किया जाता है, उसे कहते हैं आइस ब्रेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी. सो क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, कॉन्ट्राइव्ड, एम्पैथेटिक, एब्स्ट्रैक्ट या नॉन डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं, ये तो गलत है. सो जो आपकी क्लासरूम की जो कम्युनिकेशन होती है वो एम्पैथेटिक होनी चाहिए. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, एम्पैथेटिक होनी चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो भी टीचर बोल रही है उसको. क्वेश्चन नंबर 19. द स्पैटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन अ क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट्स. सो क्या बोला है, द स्पैटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन है, ऑडियो रिप्रोडक्शन वो क्या रिड्यूस कर सकता है स्टूडेंट्स के अंदर. कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट फॉर द टीचर, मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस, इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन. सो जो स्पैटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन है, इसके वजह से कॉग्निटिव लोड जो होगा स्टूडेंट्स के अंदर वो कम हो जाएगा. कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, थिंकिंग, किसी चीज के बारे में सोचना, तो इससे क्या होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा. इसका मतलब देखते हैं, स्पैटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द इम्प्रेशन ऑफ अ रियल और इमेजिन साउंड एनवायरमेंट including perceived spatial information such as the location of object and the spatial qualities of rooms acoustics. So, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या होता है, recreate करना, क्या
इम्प्रेशन किसका, एकदम रियल लाइफ जो है ना वो चीजें यहाँ पे क्रिएट की जाती है जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके थ्रू। तो उससे क्या होगा, जो दिमाग पे जो ज्यादा जोर पड़ता है ना चीजें सोचने के लिए वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, टीवी चैनल लॉन्च फॉर कवरिंग ओनली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट इज नोन एज। सो किसके लिए पूछा गया है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया गया टीवी पे, टीवी चैनल नाम क्या है। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी ज्ञान दर्शन, ऑप्शन सी किसान या ऑप्शन नंबर डी एकलव्य। सो मेनली जो इंजीनियरिंग और आपकी टेक्नोलॉजी के लिए है वो है आपका एकलव्य। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द मेन पर्पस ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम दैट इज प्रसार भारती इज। सो क्या बोला गया है, मेन पर्पस किसका ब्रॉडकास्टिंग का, प्रसार भारती का पूछा गया है, एंटरटेन करना, इंफॉर्मेशन देना या इंटरेक्शन करना। ऑप्शन बी सिर्फ एंटरटेन करना, ऑप्शन नंबर सी इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना और साथ में एडुकेशन भी प्रोवाइड कर देना, या ऑप्शन नंबर डी एडुकेट इंटरेक्ट करना या एंटरटेन करना सिर्फ। सो देखो प्रसार भारती का जो मेन पर्पस होता है वो क्या है, इन्फॉर्म भी कर देना, एंटरटेन भी करना और साथ में एडुकेशन भी दे देना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। ये तो बहुत ईजी है, ये आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है आपका, ऑप्शन ए मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी ग्रेपवाइन, ऑप्शन सी फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी मास कम्युनिकेशन। सो ग्रेपवाइन जो है ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नॉन कॉग्निटिव, एज द स्टडी ऑफ नॉन कॉग्निटिव बॉडी सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स। सो क्या बोला गया है, ऐसी कोई स्टडी जिसमें बोला गया, स्टडी कैसी टाइप की, जो कि नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट है, ये वर्ड याद रखना, बॉडी मूवमेंट कैसे हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई जेस्चर्स के फॉर्म में हो सकता है। सो वो कौन सा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, काइनेस्टिक है, निमोनिक्स है या प्रॉक्सिमिक्स है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर या आपके काइनेस्टिक्स के अंदर, निमोनिक्स के अंदर या प्रॉक्सिमिक्स के अंदर आता है। सो बॉडी मूवमेंट आप याद रख सकते हो, काइनेस्टिक्स के अंदर आता है, या आप कीवर्ड याद रख लो, बॉडी मूवमेंट आपका किसके साथ रिलेटेड है, काइनेस्टिक्स के साथ में, प्रॉक्सिमिक्स आपके स्पेस के साथ में रिलेटेड, स्पेस निमोनिक्स आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिकेशन विद पीपल एट द सेम लेवल इज हायरार्की दैट आर पीयर्स एंड कलीग्स इज टर्म्ड एज। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो एमसीक्यू की जो फर्स्ट सीरीज थी ना, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था और मैंने लाइव चैट थी तभी मैंने ये पूछा था कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है। सो वहाँ पे मैंने बताया भी था लाइव चैट के अंदर इसके बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो देख लेना एक बार। उससे कहा जाता है, आप आंसर बता दो यहाँ पे, सेम लेवल का है वो क्या होता है, वर्टिकल डायगोनल, सॉरी डायगोनल लेटरल या फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो जो सेम लेवल पे होता है कम्युनिकेशन उसे हम कहते हैं लेटरल कम्युनिकेशन, और लेटरल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज इफेक्टिव एज हायरार्की बाइंडिंग आर रिमूव्ड एंड देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कटिंग अक्रॉस पोजिशंस और स्टेटस। आई थिंक थोड़ा सा लैपटॉप मेरा ये हैंग हो रहा है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट वेट, मैं एक बार देख लेती हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहीं हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी ना रुक जाए। एक सेकेंड ना, बस मुझे एक मिनट का टाइम देना। चलो ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली, कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, कहाँ से भी कोई भी किसी के भी साथ में बात कर सकते हैं, आंसर शो हो गया, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो वो होता है आपके डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर।
Next question, question number 26. In which type of communication network members communicate with each other in a pre-planned sequence? क्या बोला गया है? Pre-planned sequence के अंदर communication हुआ जाता है. मतलब पहले से ही plan कर रखा होता है कैसे communicate करना है. तो ये आपके कौन से communication network में आता है? Wheel में आता है, chain में आता है, circle में आता है या सभी channels में आ जाता है? So, जब वो pre-planned होता है ना, तो वो एक chain form में होता है. एक chain form में वो चलता है. ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27. अमंग द फॉलोइंग इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डज द रूल्स रेगुलेशंस प्रोटोकॉल कन्वेंशन आर फॉलोड. सो क्या बोला गया है? कहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस प्रोटोकॉल कन्वेंशन. ठीक है, ये आपको रूल्स रेगुलेशन से ही पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है. कमेंट में प्लीज गाइस हर एक क्वेश्चन का हो सके तो देते रहो आंसर, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा जानना कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप वीडियोस देखते हो टाइम टू टाइम या नहीं. ऑप्शन ए ग्रेपवाइन, ऑप्शन बी इनफॉर्मल, ऑप्शन सी फॉर्मल या ऑप्शन नंबर डी अपवर्ड. सो जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, वहां पे रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो किया जाता है. सो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28. इट हेल्प्स लर्नर्स टू रिकॉल लार्जर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट स्टेप स्टेजेस पार्ट्स फ्रेजेस एक्सेट्रा. सो क्या होगा, छोटे छोटे शॉर्टकट बना लेना बड़ी बड़ी चीजों का ताकि वो आपको याद रहे. तो वो किस क्या होता है? काइनेसिक्स होता है, नॉन वर्बल होता है, निमोनिक्स होता है या रिटन कम्युनिकेशन होता है. सो इसे हम कहते हैं निमोनिक्स, जहाँ पे हम ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें जो होती है उन्हें याद करने के लिए पॉइंट्स बनाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स बनाते हैं. जैसे आपको याद होगा मैं आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके अंदर मैंने आपको मुर बताया था. ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग कैसी होती है? मुर, जो कि हमारी मेमोरी थी, अंडरस्टैंडिंग थी और रिफ्लेक्टिंग थी. मेमोरी आपकी दीदी हरबार्ट ने, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने एंड रिफ्लेक्टिव आपकी दीदी हंट ने. तो ये मैंने आपको जैसे बताया था, तो इस तरीके से निमोनिक्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. वर्ड्स आर, तो वर्ड्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? डिनोटेटिव होते हैं. भगवान क्या हो रहा है, क्या पता. एक सेकेंड ना रुकना, मैं फिर से देखती हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें. वर्ड्स जो होते हैं वो डिनोटेटिव होता है, सिंबल्स होते हैं, कोनोटेटिव होता है या नेसेसरी होते हैं. सो वर्ड्स जो होते हैं वो आपके होते हैं सिंबल्स. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. People who engage in frank and open expression of their feelings are considered as. So क्या बोला गया? People जो engage होते हैं किसमें? Frank, एकदम बोलते ना, बहुत सारे parents बहुत frank होते हैं अपने बच्चों के साथ में, मतलब हर चीज share कर देते हैं. तो वैसा frank nature वाले लोग, और जो open expression होते हैं, जो उनके view point से वो आराम से open mindedly express कर लेते हैं, तो उन्हें क्या consider किया जाता है? Assertive, aggressive, rude या inconsiderate. सो जो अपने फीलिंग्स एकदम आराम से ओपन माइंडेड बता देते, फ्रीली बता देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसर्टिव. एग्रेसिव तो गुस्सा वाला हो जाता है. ठीक है, एसर्टिव यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31. एनकोडिंग इज इम्पोर्टेंट टू. सो एनकोडिंग जो रहता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है? टू एनकरेज फीडबैक. आज ही ये दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो क्या, बट इतने टाइम पे तो कभी भी एक भी वीडियो में प्रॉब्लम नहीं हुई थी. चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं. एनकरेज फीडबैक, प्रोड्यूस मैसेज, एनकरेज डिकोडिंग ऑफ मैसेज या एलिमिनेट करना मैसेज को. सो एनकोडिंग जो रहता है वो इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए? एनकरेज करना मैसेज, फीडबैक देने के लिए, मैसेज को प्रोड्यूस करने के लिए या एलिमिनेट करना मैसेज. तो जो एनकोडिंग होता है ना वो मैसेज प्रोड्यूस करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32. कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव. सो कम्युनिकेशन जो रहेगा वो आपका इफेक्टिव कब होगा? इफ इट इज डिलीवर्ड इन अ काम सिचुएशन, एकदम काम सिचुएशन में डिलीवर किया तब. इफ इट रीचेस द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर. इफ इट इज डिलीवर्ड स्लोली एंड क्लियरली. इफ इट रीचेस द रिसीवर इन टाइम. सो जो कम्युनिकेशन होगी वो आपकी इफेक्टिव कब होगी? जैसा सेंडर मैसेज भेजना चाहता था
वही मैसेज रिसीवर को रिसीव हुआ है एंड सेम वही अंडरस्टैंडिंग से जो वो उसे समझाना चाहता था, तब कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाता है, मतलब इट रीचेस द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर, सो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी वो रिसीवर को क्या बनाएगा, क्या करने को करेगा, मतलब एक्सेप्ट करना, एंजॉय करना, उसके बारे में सोचना या उसे पास कर देना किसी और को। सो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो रिसीवर को बताती है कि उसे उसके बारे में सोचना चाहिए, थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम, इसमें से कौन सी चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हैम्पर नहीं करेगी। एक प्रिसाइज स्टेटमेंट, बहुत लंबी चौड़ाई वाले स्टेटमेंट, या कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट दैट अलाउज द लिसनर टू ड्रॉ हिज और हर ओन कंक्लूजन, खुद के हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ करना। तो देखो इसमें से ये पॉइंट्स तो इफेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, बट जो स्टेटमेंट एकदम प्रिसाइज फॉर्म में होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा कम्युनिकेशन को। सो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट 35। तो इसके साथ में हमारा 25 क्वेश्चंस हो गए होंगे। ये नंबरिंग इसलिए है क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक एमसीक्यू सीरीज दी थी जहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, तो उस आगे ही मैंने उसके आगे पीपीटी बना दी है ताकि आपको एक साथ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 35 तक हमारा हो गया है 25 क्वेश्चंस, देन शाम तक मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगी उसमें भी 25 कर देंगे, तो 50 क्वेश्चंस आज के हो जाएंगे। कम्युनिकेशन बिकम्स सर्कुलर व्हेन, कम्युनिकेशन जो है ये सर्कुलर कब बनती है। I don't know क्या हो रहा है स्क्रीन पे, लेट मी इरेज, अपने आप पे चले जा रहा है। ठीक है चलो एक मिनट, आज बहुत परेशान किया है स्क्रीन ने भी और इसने भी पेन ने। ठीक है, सो कम्युनिकेशन सर्कुलर कब होगा। द फीडबैक इज एब्सेंट व्हेन द डिकोडर बिकम्स एनकोडर, द चैनल इज क्लियर, द नॉइज इज एब्सेंट। सो कम्युनिकेशन सर्कुलर, सर्कुलर बोले एनकोडर है ना वो डिकोडर के पास में कुछ मैसेज भेज रहा है, मतलब रिसीवर के पास में, सेंडर रिसीवर को कुछ मैसेज भेज रहा है और जो रिसीवर है वो फिर से सेंडर को भेज रहा है। मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में सेंडर होता है आपका डिकोडर, ठीक है, और रिसीवर होता है आपका एनकोडर। जो सेकेंड वाला केस होता है उसके अंदर बन जाता है आपका रिसीवर डिकोडर और आपका जो सेंडर हो जाता है वो बन जाता है आपका एनकोडर। तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सर्कुलर कब होता है, जब जो आपका डिकोडर होता है ना, मतलब ये सेंडर, वो क्या बन जाता है, एनकोडर बन जाता है। सो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 25 क्वेश्चंस। इफ एट ऑल आपने अगर अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है लर्न विद हिना, प्लीज ज्वाइन कर लेना ताकि वहां पे आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग।